हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डोम्स के ऊपर। आज हम डोम का वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ये देखें, हाफ स्फीयर है यानी इसका इनर साइड का रेडियस और इसकी जो हाइट है वो सेम है। फॉर एग्जांपल ये देखें, आर 10 फीट्स है और हाइट भी 10 फीट्स है। अगर इसके रेडियस, इनर साइड के रेडियस और हाइट में फ़र्क होता, अगर हाइट कम होती रेडियस की नस्बत, तो वो सेगमेंट में चला जाता। फॉर एग्जांपल ये अगर 5 या 6 फीट होती तो सेगमेंट में चला जाता। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह सेगमेंट पे बनाऊंगा। आज हम डोम का इसका वॉल्यूम निकालेंगे। आउटर साइड का जो रेडियस है 10 फीट 6 इंच है, इनर का 10 है, इसका मतलब है इसकी जो थिकनेस है वो 6 इंच है। अब फार्मूला की तरफ चलते हैं। फार्मूला इसका है 4π (r³ - r³) डिवाइडेड बाय 6, 4π (r) आउटर साइड रेडियस 10.50³ माइनस इनर साइड रेडियस 10 फीट³ डिवाइडेड बाय 6, 4π। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 10.50³ लेते हैं, ये हमारे पास आ गया है 1157.625 माइनस 10³ लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 6, 4π मल्टीप्लाई इसको हम अलग करते हैं। 1157.625 - 1000 ये हमारे पास आ गया 157.625 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे पाई के साथ, 4 के साथ डिवाइडेड बाय 6, ये हमारे पास आ गया 330.129 क्यूबिक फुट, ये हमारे पास आ गया वेट वॉल्यूम। अब हमने ड्राई वॉल्यूम निकालना है। ड्राई वॉल्यूम के लिए फार्मूला है वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1.54। वेट वॉल्यूम क्या है अभी, 330.129 × 1.54। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 330.129 × 1.54, ये हमारे पास आ गया 508.399 क्यूबिक फुट, ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया है। अब हम मटेरियल कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए रेशियो जो है हमारे पास 1:4। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सीमेंट के ऊपर। रेशियो हमारे पास है 1:4, हम सीमेंट निकालेंगे। वन सी सीमेंट डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 1 + 2 + 4 = 7, सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। हमारे पास ड्राई वॉल्यूम है 508.399। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 508.399 × 1 डिवाइडेड बाई 7, ये हमारे पास आ गया 72.628, ये क्या है क्यूबिक फीट सर। अब एक बैग के अंदर 1.25 क्यूबिक फुट, सीमेंट बैग के अंदर 1.25 क्यूबिक फुट होते हैं, इसी को हम डिवाइड कर देंगे 1.25 के ऊपर, तो हमारे पास ये बैग्स आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 1.25, ये हमारे पास आ गए हैं 58.10, ये हमारे पास बैग्स आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फाइन एग्रीगेट की।
फाइन एग्रीगेट यानी सैंड, टू डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 7 मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम हमारे पास है 508.399। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 508.399 मल्टीप्लाई टू डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास आ गया है 145.257 क्यूबिक फीट। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट यानी एग्रीगेट बजर 1 to 4 एग्रीगेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 7 मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम 508.399। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 508.399 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास आ गया है 290.514 क्यूबिक फीट्स। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या आया हमें वर्किंग ठीक है या नहीं। हम तीनों सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट को तीनों को हम जो क्यूबिक फुट्स आए हैं उसको प्लस करते हैं, 72.628 प्लस 145.257 प्लस 290.514, ये हमारे पास आ गया है 508.399 क्यूबिक फीट्स। यानी दोनों वाली वैल्यू जो है वो ड्राई वॉल्यूम की और इसकी, क्योंकि वर्किंग हमने इसके ऊपर की है, दोनों सेम आ गई है। इससे मुराद ये है कि हमारी वर्किंग ठीक है। थैंक्स फ्रेंड, मेरी वीडियो को देखते रहें, बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊंगा।